भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को ठगने का आरोप भी लगाया। बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ को करपनाट भी कहा। साथ ही झूठे पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश की छवि खराब करने के आरोप लगाए और कहा इस साइबर क्राइम के खिलाफ भाजपा कड़ा एक्शन लेगी। प्रियंका गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि यह पत्र कहां से आया। झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया। पहले आपके भाई से झूठ बुलवाकर दिग्विजय कमलनाथ ने झूठ साबित कर दिया, अब आपको भी उन्होंने झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिग्विजय सिंह मिस्टर बंटाढार और कमलनाथ मिस्टर करपनाथ, इनके बारे में ये हमेशा से कर्मचारियों को जो इनके खिलाफ कुछ करता है उनको धमकी देने का जो काम कर रहे हैं, अरे कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश के अंदर डकैत खत्म कर दिए। इस मध्य प्रदेश के अंदर आतंक का राज जो होता था आपकी सरकार के समय में, उसको हमने खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो आपकी धमकियां अब इन लोगों को धमका नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, प्रियंका गांधी से लेकर के कमलनाथ और अरुण यादव से लेकर के सारे लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो चिट्ठी वायरल की वो व्यक्ति कौन है, कहां है, कौन सी संस्था है, अरे बताइए ना।